No, they are spicy. क्या खतरनाक डिप है ये तंदूरी में हो। Wow. करेंगे 24 आवर्स मोमो ईटिंग चैलेंज। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से करने का सोच रही थी, लेकिन मोमोज बनाना घर पे मुश्किल है और मैं बाहर का खाना काफी टाइम तक नहीं खा रही थी। तो टू स्टार्ट द डे मैंने ऑलरेडी 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर किए। मैं आपको रेस्टोरेंट और सब बताती हूँ। लेट्स वेट फॉर इट टू कम एंड देन आई विल स्पिल ऑल द डिटेल्स। सो आई नो आई लुक डिफरेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट अ वेरी फन वीडियो टुडे। इट्स अ ज्वेलरी हॉल। शायद वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा मैंने, लेकिन अभी आ गया फाइनली मोमोज और मेरे को इतनी तेज भूख लगी है दैट आई जस्ट want to open them and eat them right away. I know it's very expensive and बहुत जगह पे 40 या 50 रुपीज का एक प्लेट मोमो मिलती है। आई थिंक क्रेकड़ी है मेरे घर के पास भी, बट अभी आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो देयर, तो आज तो सब ऑनलाइन ही मंगाएंगे। तो पहले प्लेट खोल कर देखते हैं। लाइक द पैकेजिंग यार, एकदम थोड़ा मैकडी वाइब है। मैकडी एज इन लाइक प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप वाइब है। ओपन दिस। वाओ। ओके, ये वाले हैं मशरूम मोमोज विथ तंदूरी मेयो सॉस। यूजुअली मैं मशरूम मोमोज खाई हूँ, बट ऐसे वाला नहीं खाई हूँ। वो छोटे छोटे डिमसम खाई, वो भी अलग टाइप के मशरूम के। ये मुझे लग रहा है नॉर्मल बटन मशरूम के हैं। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ऐसे मोमोज। दीज आर चीजी एलपिनियो मोमोज। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। फर्स्ट प्लेन मशरूम मोमो टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। वाओ, देयर इज सो मच फ्लेवर। मशरूम मोमो में यूजुअली इतना फ्लेवर नहीं होता है। अब मैं इसके साथ वाले डिप में चक्कर देखती हूँ। क्या खतरनाक डिप है ये तंदूरी में हो। एकदम स्मोकी फ्लेवर है। वाओ, बेले डिश को आएगा 5 out of 5। अब चीजी एलापीनियो का पहला बाइट। और ये फ्राइड लग रहा है, पता है मेरे को। इसके अंदर फीलिंग क्या, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्टार्टर खा रही हूँ जो तला हुआ है। मैं मोमो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। इसको बीच से काट के देखते हैं अंदर है क्या। यार मैंने काटा तो बहुत अच्छे से, थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा फीलिंग है, आई थिंक दिस इज मिक्स वेजिटेबल मोमो जिसको तल के चीज़ एलापीनियो सॉस में डाल दिया है, वो मुझे लग रहा है। इसको आई विल गिव 3 out of 5। डिश ना है, सब अच्छा है, बट ये मोमो वाली फीलिंग नहीं दे रहा। अगर ये मोमो के हिस्से से जज नहीं करना है तो मैं इसको 4 out of 5 दूंगी, क्योंकि इट्स अ गुड स्टार्टर। ऑल्दो मैं स्टिल खा ही रही हूँ इसको, मेयो के साथ खा के देखता हूँ। ऑलमोस्ट ये खत्म भी हो गया। आई विल सी यू इन अ कपल ऑफ आवर्स। ओके, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आई एम सो हंग्री, क्योंकि जो पहले वाले तो मोमोज उसमें से एक प्लेट मम्मी खा गई। तो लंच में मैं एक्चुअली मंगाना चाहती हूँ मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से बहुत सारा खाना, बट वो अभी बंद है, शाम को खुलेगा। वी आर अबाउट टू फाइंड आउट व्हाट जी मोमो मीन्स। ओ माय गॉड, ये मोमोज है कि क्या है। काली मिर्च थोड़ी ज्यादा है, बट अपने को जो लगा था ना वो है। इसके अंदर कुरकुरे नहीं है यार, ये बाहर से क्रिस्पी है। ऑफ कोर्स दैट मेड मोर सेंस, बट फॉर सम रीजन मुझे कुरकुरे वाली फिलिंग वाले मोमोज खाने थे। कज आई थॉट कि ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। आई थिंक ये वेज कुरकुरे मोमोज है और ये पनीर चिली कुरकुरे मोमोज है। अगर कोई मुझे ये ला के देना तो मैं बोलूँ भी ना कि ये मोमोज है, मुझे लगा कि कोई टाइप का स्टार्टर है। एंड एक्चुअली इसका टेस्ट भी मोमोज जैसा नहीं है, जस्ट टेस्ट लाइक अ स्टार्टर। सो लेट्स ट्राई इट। एज अ स्टार्टर इट्स गुड, एज अ मोमो ओवरऑल मैं अपने ये ऑर्डर को 3 out of 5 देती हूँ, क्योंकि खाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, खाना अच्छा है, बस मोमो वाली फीलिंग नहीं आ रही। बट अगर आपको कुछ वैरायटी ट्राई करनी है, कुछ नया स्नैक ट्राई करना है, देन यू शुड ट्राई। लाइक एज अलोन डिश दिस इज 4 out of 5 अगेन। जो अपना वो पहले वाले ब्रेकफास्ट में हुआ था ना, वो चीज़ें एलापीनियो मोमोज के साथ, वही वाला सीन है ये भी, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ही और लगा। तो क्या, तो मेरा टोटल ऑर्डर अमाउंट था 317 rupees इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड एवरीथिंग। सारे ऑर्डर प्राइस से ही है एंड आई गॉट 7 big momos इन ईच बॉक्स। एंड 7 कितना अजीब नंबर है, यूजुअली मोमो प्लेट या तो 6 या तो 8 का होता है, बट दे आर सो हैवी। तो आई डोंट थिंक मैं एक भी पूरा प्लेट खा पाऊंगी जो मैंने सोचा था, बट इट्स अ वेरी गुड न्यू थिंग टू ट्राई, क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी सही तो लग रहा है। बट आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मील जो मैं थोड़ा जल्दी करूंगी, और मैं स्नैक्स का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखने वाली हूँ, बिकॉज आई एम गोना ऑर्डर इट फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन मुंबई। तो आई
सी यू बस आई थिंक 2-3 घंटे बाद फॉर स्नैक्स. मैं फिलिंग तो दिखाना भूल ही गई. तो पनीर वाले की फिलिंग ऐसी दिखती है. तो यू कैन सी एक पनीर का बड़ा चंक है एंड बाकी अंदर वेजिटेबल्स है. तो दिस इज पनीर वाले का एंड ये है वेज वाले का फिलिंग. तो क्लियरली दिख रहा है पता है कि मोमो को ही फ्राई किया है बट मैं श्योर नहीं हूँ. वो फाइनली हो गया शूट. अभी आई एम नॉट दैट हंग्री क्योंकि वो बहुत हैवी थे लेकिन इट्स माई फेवरेट मोमो रेस्टोरेंट. यहाँ पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड डिमसम मोमो एक्सप्रेस. द फर्स्ट थिंग इज अ मोमो सूप. इट्स कॉल्ड हॉट पॉट मोमो सूप. इसका यार आपको मेरा रिएक्शन नहीं मिलेगा ज्यादा बिकॉज आई हैव ईटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम देम. बट आज एक्चुअली मैंने एक आइटम नया मंगाया है. पहले वो उससे स्टार्ट करते हैं यार. सो ये टेक्निकली मोमोज में नहीं आता है. ये है बेक्ड वॉन्टॉन्स. ऐसे दिखते हैं एंड मैंने कभी ना ऐसे खाया नहीं है पता है बेक्ड मोमो. तो आई डोंट नो कि ये पॉपुलर है. आपके यहाँ मिलता है क्या ऐसा बेक्ड मोमो? मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. तो मैं पहले ऐसे लुका खा के देखती हूँ. वैसे अच्छा है बट बेकिंग के वजह से ना ऊपर ये जो कड़क पोर्शन हो गया ना ये ब्राउन पोर्शन जो है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा कड़क हो गया है विच पर्सनली मुझे पसंद इतना नहीं आता है. तो दिस मोमो डिश आई विल गिव 4 out of 5. बाकी अंदर की फिलिंग इज वेरी टेस्टी. मैं कट करके बताती हूँ एग्जैक्टली वॉट इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. तो ये है इसकी इनसाइड फिलिंग. बस बेक्ड मेरे को पर्सनली इतना खास नहीं लगा बट द टेस्ट ऑफ द मोमो इज अप देयर. लव इट. नेक्स्ट मैंने मंगाया था एक वेज मोमो प्लेटर. इसमें है नॉर्मल अपने मैदे वाले मोमोज, व्हीट मोमोज 2 पीस एंड क्रिस्टल मोमो 2 पीस. तो मैंने तो सब पहले खाया हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे क्रिस्टल मोमो सबसे ज्यादा पसंद है. बट अगर आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन जनरल. इसके साथ डिप अपने को क्या मिली है बताए? एक मेयो डिप और एक शेजवान डिप. आज के दिन में अभी तक की मेरी फेवरेट डिप रही है वो तंदूरी मेयो डिप. ये इन दोनों को भी बीट कर देते इजीली. फर्स्ट आई विल ईट माय फेवरेट क्रिस्टल स्पिनच कॉर्न डंपलिंग. ऐसा इसका लुक है. मतलब अंदर की फिलिंग ना बाहर से इसे दिखने लगती है हल्की हल्की यानी थोड़ा टूट गया. तो यू कैन सी हल्का सा के अंदर से कैसा दिखता है. इट्स सो सॉफ्ट एंड विदाउट एनी चीज और एनी थिंग. इट्स सो क्रीमी. मैंने डिप भी नहीं किया था इसको किसी चीज में. नेक्स्ट है ये होल व्हीट मोमो. फिलिंग तो मेरे को नॉर्मल वेज वाले लग रहा है. स्वीट कॉर्न दिख रहा है बट आई डोंट थिंक इसमें चीज है. लास्ट अपना सादा मोमो. ये भी आई कल टाइम शो यू. इसमें भी नॉर्मल वेजिटेबल फिलिंग है. तो वन कंस्ट्रक्टिव थिंग दैट आई वुड लाइक एज अ रेगुलर कस्टमर इज इफ ये कॉम्बो में वी कैन हैव वन ऑफ ईच. आई नो कि मैं थोड़ा ज्यादा मांग रही हूँ. एक कॉर्न एंड चीज मिले या एक तंदूरी मिले तो मुझे ज्यादा मजा आएगा कम्पेयर टू ऑल बींग द वेजी फिलिंग ओनली. ये भी मस्त है. मैंने ना जोमैटो पे डोंट सेंड कटलरी वाला टिक करके रखा था. अगर मैंने ड्रेस पे गिराया मेरी मम्मी मेरा पहले थोड़ा सूप पीऊंगी ठीक है डायरेक्टली बोल से. बार बार सैनिटाइज है डोंट वरी. इसको पी के ना पूरे सेंसेस जाग जाते हैं. गले में एक मस्त वार्म फीलिंग आता है. नाक खुल जाता है. इट्स स्पाइसी यार दिस सूप. इट्स कॉल्ड हॉट पॉट वेज मोमो सूप. सॉरी मेरे ना कैमरा की बैटरी हो गई थी खत्म बट नाउ वी बैक. तो मैं आपको बता रही थी इन द 120 rupees यू गेट 4 momos 4 or 3 अब मेरे को याद नहीं है यार इतना टाइम हो गया तो. बट यूजुअली पहले 4 आते थे एंड द होल सूप जो आई थिंक इज अ गुड डील फॉर मुंबई स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे तो यार 4 plate मोमो नॉर्मली मंगाओ तो 120 सिर्फ उसके लगते हैं. तो उसके साथ ये अच्छा वाला सूप भी मिल जाता है. मैं स्पून तो लाई नहीं. उठी थी कैमरा बैटरी चार्ज करने फिर भी स्पून लाई नहीं. गरम गरम सूप के साथ जब मोमो खाते हैं ना यार अलग हिट करता है ये. जिसने भी ये डिश इन्वेंट किया ना आई नो दैट देयर आर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस डिश मतलब दिस कॉम्बिनेशन. तो अगर आप कभी मुंबई आओ तो जरूर ट्राई करना. दिस नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल बट मेरे स्नैक्स से इतना पेट भर गया कि आई फील लाइक स्किपिंग डिनर. लेकिन नहीं चैलेंज के लिए डिनर करना है बिकॉज फॉर डिनर आई एम गोइंग टू लुक फॉर मीठे मोमोज. आई वॉन्ट अ डेजर्ट इज वेल फॉर डिनर. तो डिनर कोई हिसाब से स्किप नहीं होगा. आई गो फिनिश अप द वर्क वाइंड अप कर लेती हूँ रूम एंड देन आई विल कैच यू. फाइनली इट्स डिनर टाइम. लेकिन मैं स्नैक्स का ऑर्डर टोटल बताना भूल गई सारी. वो हम अभी के अभी क्लियर करेंगे. तो माई ऑर्डर टोटल वॉज 397 rupees. एक वेज प्लेटर के लिए जिसमें 8 piece मोमोज थे. एक बेक्ड वेज वॉन्टॉन जो अपने वो थे कड़क वाले देवर 6 pieces और एक वेज हॉट पॉट मोमो सूप जिसमें 4 momos और वो सूप का बोल था. तो 8 + 6 = 14 + 4 = 18 momos एंड 1 soup for 397.
But now let's move on to dinner. So dinner ke liye I've tried a new place called Dim Sum Wu. And so what I'm concerned about is they serve veg and non-veg both, but they've forgotten to tick mark here. But I think I ordered one plate of authentic Tibetan momos. Let me just confirm ek bar. I have ordered one vegetable Tibetan momos aur maine authentic Tibetan momos kabhi nahi khaye. I had thought ke jabhi Tibet jana hoga tabhi khane milenge, but these look good. So different. यार बस एक क्वेश्चन है मेरे को कि ब्लू ब्लू क्या है यार मोमोज पे, जो ब्लू ब्लू डॉट्स है वो क्या है? आई हैव नेवर हैड दैट ऑन माय मोमोज बिफोर, और मेरे हाथ पे तो ये नहीं था, ये आटे पे ही है, तो आई एम स्लाइटली कंसर्न्ड अबाउट इट. दूसरे पे नहीं है तो मैं वो डिप में डाल के देखती हूँ. ऐसा डिप है, आई डोंट नो कि व्हाट इज दिस डिप अबाउट. डिप के साथ तो बहुत बेटर लग रहा है. सो दे हैड मेंशन कि नॉन स्पाइसी है, बट आई लव देम. द ओनली थिंग इज आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि ऑथेंटिक टिबेटन मोमोज जैसे है कि नहीं, क्योंकि मैंने वो खाए नहीं है. सो आई गिव दीज वंस 5 out of 5, इवन दो इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग देम. मुझे बहुत पसंद आए वाले. अगला मोमो का बॉक्स, लास्ट सेवरी मोमोज फॉर आर 24 hour चैलेंज. मेरे को नाम सुन के थोड़ा डर लग रहा है. द नेम इज वेज डेविल फायर वीट मोमोज. दिस इज वॉट दे लुक लाइक. तो देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी रहेंगे. एक लेते हैं. अंदर से तो फीलिंग सेम ही लग रही है उसके जैसी. खा के देखते हैं, चलो बिना खाए जज नहीं करते. नो दे आर स्पाइसी. मैंने सिर्फ आधा मोमो खाना यह हाल है, दूसरा आधा भी खाना पड़ेगा. यार मैं वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैं पूरी तैयार थी कि मैं मोमो खाऊंगी, मेरे मुंह में वर्ड्स रेडी थे. ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है और 5 सेकंड में स्पाइसेड हो गया. वो जिसको नॉन स्पाइसी पसंद है उसके लिए टिबेटन मोमोज है, जिसको स्पाइसी पसंद है उसके लिए फायरी वाले मोमोज है. सबके लिए सब मिल गया अपने को यार. एंड फाइनली फॉर द डिजर्ट लवर्स लाइक मी, वी हैव चॉकलेट मोमोज. तो दिस इज वॉट द चॉकलेट मोमोज लुक लाइक. तोड़ के देखते हैं. काफी कड़क है पता है. आधा बाइट करूं क्या? ओह माय गॉड, वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अंदर लिक्विड चॉकलेट होगा. इससे बेटर एंडिंग नहीं हो सकता था. दिस इज द बेस्ट चॉकलेट मोमो जो मैंने आज तक खाया है. 104 रुपीज के मेरे को पड़े रहे 4 मोमोज, मतलब 25 रुपए का एक बॉल पड़ा. माय पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग आउटसाइड लाइक, चॉकलेट मोमो हुआ, डेजर्ट मोमो हुआ तेरा, प्लीज हमको दे, हमें वेटिंग फॉर इट. तो 3 है, मैं एक और खाऊंगी यार. कॉल मी सेल्फिश इफ यू वांट, बट दे आर टू गुड. तो ये था मी ईटिंग मोमोज ओनली फॉर 24 hours. एंड कॉल मी अ क्रेजी मोमो लवर इफ यू वॉन्ट, लेकिन मैं अभी तक मोमोज से उबी नहीं हूँ. लेट्स सी कि मैं 24 hours मैगी ईटिंग चैलेंज में मैं कैसे कोप अप करती हूँ, क्योंकि मैगी मसाला का टेस्ट कहीं ना कहीं तो सब डिशेस में रहेगा. तो अगर बार 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 सेम टेस्ट मिले तो हाउ डू आई कोप अप विद दैट. लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई ना तो दैट वॉज द एम यार. 4 अलग जगहों का आज अपन रिव्यू कर पाए. इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोस तो टेल मी यार, आई विल मेक मोर ऑफ दीज फूड चैलेंजेस, क्योंकि इसमें एक मिनी रिव्यू भी हो जाता है. तो वेन यू कम टू मुंबई और वेन आई ट्रैवल समवेयर इन द फ्यूचर एंड आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, तो एक अच्छी सी सेटिंग मिल जाती है कि जब आप वहाँ पे आओगे तब आपको क्या ट्राई करना चाहिए. बट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very soon. Until then, goodbye.